नमस्कार दोस्तों, आरजे टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने मोबाइल से अपनी किसी भी ज़मीन का नक्शा कैसे निकाल सकते हैं, जो सरकारी नक्शा होता है। जैसे मैं इस जगह खड़ा हूँ तो यहाँ इसका नक्शा निकालना है, आपको अपने खेत का नक्शा निकालना है या अपने प्लॉट का नक्शा निकालना है, तो हम कैसे अपने मोबाइल से वो नक्शा को निकाल सकते हैं। जैसे कि नक्शा की बात करी जाए तो जब कभी बंटवारा होता है हमारे खेतों का या फिर किसी भी प्लॉट्स का, तो हमें उससे पता चल जाता है कि हमारे हिस्से में कितना है या हमारा जो खेत है उसमें कितने हिस्सेदार हैं, तो उस हिसाब से बंटवारा हो जाता है आसानी से। तो इस बंटवारे के टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है या फिर हमारा किसी ने प्लॉट वगैरह या खेत वगैरह कोई किसी ने दाब रखा है, ज़्यादा ले रखा है, तो उस टाइम पे भी हमें ये भू नक्शा लेके और हम रिपोर्ट कर सकते हैं और वो जो अपना खेत है वो पूरा हम ले सकते हैं, अपना प्लॉट उससे पूरा ले सकते हैं। तो इस जगह ये हमारा भू नक्शा काम आता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आएगी और अच्छी भी लगेगी, क्योंकि आपके ये बहुत ज़रूरी काम की है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपली अपने मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो लैपटॉप और कंप्यूटर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो हम अपने मोबाइल से सिंपली ये वर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस मोबाइल में आपको करके दिखाऊंगा, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब जो ये मोबाइल है इसकी मैं जो भी काम करूंगा वो आपको साइड से दिखाई देगा, तो इस मोबाइल की स्क्रीन आपको साइड से दिखाई दे रही होगी। अब तो हम स्क्रीन जो अपना मोबाइल है इसमें ओपन करेंगे गूगल क्रोम या फिर अदरवाइज कोई भी ब्राउज़र जो भी आपके पास है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्रोम यूज़ करने के बाद हमें एक साइड है वो हम इस पर ओपन कर लेते हैं। वैसे तो upbhunaksha.gov.in ये साइड है, लेकिन हम जब भी इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता है, ब्लैंक पेज आता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कहेंगे वीडियो गलत है या हम नक्शा नहीं निकल रहा है, तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को जाके इस साइड को ओपन करिए। ठीक है, तो ये साइड प्रॉपरली ओपन हो जाएगी, या फिर आपको इस स्क्रीन पे यहाँ पे एक जो साइड है वो लिखे दिखाई दे रही है, इसको वीडियो को रोक लीजिए, उस साइड को नोट कर लीजिए, उसको ही सेम आप स्लैश लगा के जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते हैं, तो आपकी साइड प्रॉपरली खुल जाएगी। तो हम इस साइड को खोल लेते हैं। तो जैसे कि ये साइड खोलने के बाद हमारे पास कुछ इंटरफेस है वो इस तरह का आएगा, लेकिन जो हमारी साइड है ये बहुत एक बड़ी साइड है, डेस्कटॉप साइड है, तो मोबाइल में खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और फिर आपके नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड है। तो नॉर्मली जो साइड है वो ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो सिंपली ज़्यादा कोई ये वैसी साइड नहीं है कि आप चलाना पाएँ, सिंपली हमें जो है ये थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ क्लिक करना है, आपको दिखाई दे रहे होंगे साइड से। तो इन थ्री डॉट्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी लोकेशन पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऊपर स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश सिलेक्ट है ही, नीचे जो दूसरा ऑप्शन है ज़िला का, इसमें हम अपना जो भी ज़िला है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं कर लेता हूँ अपना एटा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आया आपका तहसील का, तहसील हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने कर लिया एटा, जो भी आपकी तहसील हो। ठीक है, इसके बाद गांव आप अपना सर्च कर सकते हैं, गांव के नाम से अगर नहीं आ रहा है तो ग्राम पंचायत के नाम से आपकी ज़मीन आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम सर्च कर लेते हैं, हमने कर लिया अचलपुर, ठीक है, अचलपुर महरेरा। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये एरो दिखाई दे रहा होगा ऊपर, इस एरो को प्रेस करके हमें बैक चले जाना है, तो आपका जो नक्शा है वो अचलपुर का वो यहाँ आ जाएगा। तो आपको इस तरह से कुछ आपको नक्शा दिखाई देगा अचलपुर का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका इसमें जो भी खतौनी संख्या है वो आपको ढूंढनी होगी कि हमारी कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 926 नंबर का खेत है या 926 नंबर का प्लॉट है, तो हम इसको थोड़ा और जूम कर लेंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 926, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आप दो उंगलियों से जूम करके भी इसे जूम कर सकते हैं, ऊपर प्लस माइनस का चिन्ह दिया है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस पर जैसे ही हम टैप करेंगे, जो 926 नंबर आपका प्लॉट है या खेत है, इस पर टैप करने के बाद आपको इसके जो भी हिस्सेदार होंगे वो साइड से डिटेल आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो 926 है उसकी आपको डिटेल नीचे दिखा रहा है कि खाता संख्या है ये 926 है, खाता संख्या भी दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ दिखा रहा है खातेदार का नाम है वो बैराज, मतलब बंजर ज़मीन है, इसका कोई भी मालिक नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ हम देख सकते हैं आपको जो बंजर ज़मीन है वो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है। ठीक है, और हम सिंपली दूसरे पर क्लिक करते हैं, अगर 923 पर हमने क्लिक किया तो हम देखते हैं ये भी आपकी एक बंजर ज़मीन है। अब हम जाते हैं दूसरी जगह, अब जैसे मान लीजिए हमें 225 नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस पर अगर हम टैप करते हैं 225 पे, तो इस पर टैप करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 225, ये इस पर हम टैप करेंगे, थोड़ी देर का वेट करेंगे, आपके साइड से जो भी हिस्सेदार होंगे उनका नाम आ जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में हिस्सेदार हैं उनका सबका नाम आ गया है, जो पहले हिस्सेदार हैं वो भूदेव सिंह हैं, दूसरे हैं, इस तरह से आ गया है। इसमें फिलहाल इसमें एक ही हिस्सेदार हैं आपके, भूदेव सिंह ही हैं,
और उनके कुछ बेटे वगैरह हैं, इस तरह से आपको पता चल सकता है कि इस ज़मीन में कितने हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैसे हम अपने जो खेत है उसकी हिस्सेदारी निकाल सकते हैं, कैसे हम जो भी प्लॉट है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें अपना खसरा संख्या या जो खाता संख्या बोलते हैं खेत की, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है, और चलिए फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक टेक्नोलॉजी और टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों भाई अपना ख्याल रखिए, बने रहिए आरजे टेक्नोलॉजी के साथ। साथ ही साथ अगर आपको ये नक्शा किसी सरकारी काम में लगाना है तो हम इसका अपने जो भी खेत है, जैसे हमने ये जूम कर लिया, तो इसका अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कहीं भी सरकारी काम में लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक सजेशन दूंगा, मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया हुआ नक्शा ना प्रिंट करवाएं, आप किसी कंप्यूटर शॉप पे जाके वहाँ से ये नक्शा निकलवा लें और उसको अपने कागज़ पे प्रिंट करवा के आप दिखा सकते हैं, अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय।